एक क्वेश्चन है, ये आया तो एडवांस में हुआ है किसी टाइम में, बट मुझे लगता है ये मेंस नीट का बहुत ही, मतलब अगर एमपीयर सर्किट लॉ पे सबसे बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो ये दो क्वेश्चंस ही हैं जिस टाइप के वो कंपटीशन में आ सकते हैं। हो सकता है इसको ब्रेक करके आए, क्वेश्चन इजी है लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इसके रिजल्ट्स हम इसको याद ही कर लेंगे इनके रिजल्ट्स, ताकि फटाफट हमारे ऑब्जेक्टिव में काम बच जाए। क्वेश्चन ये है कि सपोज आपके पास ये एक सिलेंडर है जिसमें करंट इनसाइड जा रहा है, कोई बोला ये तो स्फेयर लगता है, सिलेंडर कैसे है? पहली बात तो इस चैप्टर में स्फेयर नहीं चलते क्योंकि करंट स्फेयर में कैसे जाएंगे, गोल आयरन की बॉल है, करंट की डायरेक्शन कैसे शो करोगे? तो सिलेंड्रिकल वायर के ऊपर ही काम करते हैं हम, चाहे थिक चाहे थिन। तो ये ऐसा है, ये एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो आपको सिर्फ डायग्राम यहाँ का दिखा रहा है, क्रॉस सेक्शन का बस। तो क्रॉस सेक्शन में आपको डायग्राम क्या नजर आएगा, सर्कल। तो आपको ये सर्कल, सिलेंडर का सर्कल दिख रहा है क्रॉस सेक्शन, और इसमें करंट इनसाइड जा रहा है, तो ये डायग्राम बन गया। ठीक, क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर ये एक सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है जिसमें करंट ही करंट जा रहा था, आपने क्या किया, आपने इसमें कैविटी कर दी, एक होल कर दिया। ठीक, होल किया, एक कैविटी कर दी, और कैविटी मींस इसमें अब कोई करंट नहीं जा रहा, ये होल है। आपको प्रूव करना है कि अगर मैं कोई भी पॉइंट इसकी कैविटी के अंदर कंसिडर करूं, पी, मैं चाहे यहां कंसिडर करूं, चाहे यहां करूं, चाहे यहां करूं, जहां मर्जी करूं, बी की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो करंट प्रोड्यूस करेगा यहां पर, वो कॉन्स्टेंट रहेगी कैविटी के अंदर, जहां मर्जी पॉइंट ले लो वो चेंज नहीं होगी। आपको क्या ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये क्वेश्चन कहीं सुना हुआ है पहले? कहाँ कहाँ सुना है? कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ कुछ कुछ किया हुआ है? सेंटर ऑफ मास, एक और इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी किया है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में सेम कॉन्सेप्ट किया है, एक चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, उसमें कैविटी कर दी, प्रूव करो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट होगा। और उस टाइम तो ये भी कहा था, फॉर्मूला मार्क कर लो, ये याद हो जाएगा फॉर्मूला। अब याद नहीं तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, याद है किसी को? देखो करें स्टार्ट इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, करंट डेंसिटी जे। क्योंकि ये क्वेश्चन इनफाइनाइट शीट का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए ये आम करंट डेंसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, करंट डिवाइडेड बाय एरिया। तो सिर्फ शीट में ही लगता है करंट बाय लेंथ, अदरवाइज करंट बाय एरिया ही होता है। तो करें स्टार्ट, लॉजिक समझो पहले। हम क्या करेंगे, हम ये मानते हैं पहले कि कोई भी पॉइंट हम इस कैविटी के अंदर पी ले लेते हैं। ठीक, पी पॉइंट ले लिया हमने, इसको छोड़ो, ये आर वन आर टू कुछ नहीं है, पी पॉइंट को देखना है, कैविटी के इनसाइड एक पी पॉइंट ले लिया। हम ये मानते हैं कि मान लो मैंने यहां पर कैविटी की नहीं, करंट ही करंट है पूरे सिलेंडर के अंदर, करंट यहां भी करंट ही करंट है, तो पूरा सिलेंडर पी पॉइंट पे कुछ ना कुछ बी जरूर लगाएगा। ठीक है, एक वायर के इनसाइड बी तो एग्जिस्ट करता ही है, तो हम देखते हैं वो कैसे निकलेगा भी।
पर कुछ तो लगाएगा, मान लो 10 टेस्ला लगा रहा है, तो अगर मान लो कैविटी नहीं है, पूरी की पूरी वायर में करंट ही करंट है इंक्लूडिंग दिस एरिया ऑल्सो, तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूरी वायर ने 10 टेस्ला लगा दी। अब इमेजिन करो कि सिर्फ कैविटी कैविटी में करंट है, बाकी जगह करंट ही नहीं है, तो कैविटी के अंदर वही पॉइंट पी है सेम, तो कैविटी कैविटी के करंट ने इसके ऊपर 2 टेस्ला भी लगाया था, तो अगर मैं टोटल इंक्लूडिंग कैविटी भी कितना लगा था 10 टेस्ला, सिर्फ कैविटी ने कितना लगाया 2 टेस्ला, अगर मैं कैविटी प्रोड्यूस कर दूं इसमें, मैं होल कर दूं, तो ये वाला करंट निकाल दूं जो कितना टेस्ला इसमें प्रोड्यूस कर रहा था 2 टेस्ला, तो रिमेनिंग बी की वैल्यू पी पॉइंट पे क्या आएगी, 10 में से 2 गया 8 टेस्ला, ऐसे ही होगा। पहले आप एक काम करेंगे, इसमें करंट मान लेंगे और पूरे का पूरा क्या करेंगे, इसमें पूरे की पूरी वायर की वजह से पी पॉइंट पे बी निकाल लेंगे, फिर आप सिर्फ ये देखेंगे कि पी पॉइंट पे उस सिर्फ कैविटी का क्या कंट्रीब्यूशन था, कैविटी को बाहर कैविटी प्रोड्यूस कर देंगे, होल कर देंगे, उसका कंट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ आंसर आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है, ठीक क्लियर है यहां तक? तो हमें 2 बार ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक बार करना है पूरे का पूरा सिलेंडर लेके, एक बार सिर्फ कैविटी का करंट लेके, और फिर दोनों की बी को माइनस। इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। वेक्टर में सुपर इंपोज हो रहे हैं 2 वेक्टर, क्योंकि पहले कैविटी भी बी लगा रही है और बचा हुआ पोर्शन भी बी लगा रहा है, तो टोटल भी कैविटी को हटा देंगे तो वो पोर्शन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? लॉजिक। अब कैविटी है या नहीं है, किसी भी सिलेंड्रिकल वायर के इनसाइड भी कैसे निकलते हैं, पहले वो निकाल लेते हैं। हालांकि मैंने शायद निकाल के दिखाया भी था, जो पिछली एप्लीकेशन 4th एप्लीकेशन थी वो यही थी कि एक सिलेंड्रिकल वायर के इनसाइड भी क्या होता है, तो मुझे फॉर्मूला याद नहीं है वैसे उसका, तो एक बार बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो, तो सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, आप लिखना चाहते हो नोट लिख लो यहाँ पे, ये क्वेश्चन नहीं है, प्लीज ये नोट है। मैं आपको पहले ये रिमाइंड करवा रहा हूं कि एक सिलेंड्रिकल वायर के इनसाइड बी कैसे निकलता है, जो कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है अपनी 4th एप्लीकेशन में, फिर करते हैं। तो मान लो इससे आर डिस्टेंस दूर मुझे क्या निकालना है, मुझे बी निकालना है, ध्यान आगे। मान लो इसके सेंटर से आर डिस्टेंस दूर मुझे बी निकालना है, जहां बी निकालना है वहां डॉट 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 ड्रॉ करो सर्कल, एक इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ बना लो, आर 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 रेडियस मानते हुए सर्कल ड्रॉ करो, उस सर्कल को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ, क्योंकि जहां बी निकालना है वहां बनाना पड़ेगा इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ। कोई डाउट इसमें? आगे देखते हैं। तो ये एक इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ है, इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ का बी डॉट डी एल, बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर, ये स्टेप क्लियर है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इस इमेजिनरी सर्कल के अंदर कितना करंट है, मुझे सारा करंट नहीं चाहिए, बस अंदर करंट चाहिए, तो इसका करंट निकालने के लिए करंट डेंसिटी को इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो जे का मतलब करंट पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, तो सॉल्व करके बी की वैल्यू आ गई। पहले तो ना इसको जरा ब्लॉक्स में डालो और इसको पॉइंट टू रिमेंबर कर लो कि अगर कल को एम्पियर सर्कल डलो नहीं, जो लगा सकते हैं वो तो लगा ही लें, उनको तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वही निकाल लेंगे, बट जिनको फॉर्मूला याद करना ठीक लगता है तो मेरी तरफ से इसको बॉक्स में डालें और फॉर्मूला याद कर लें कि जे बाय म्यू नॉट जे आर बाय टू की वैल्यू लगाएंगे आगे से, और किसी भी पॉइंट पर वी की वैल्यू को निकाल लेंगे, लेकिन कहां, एक सिलेंड्रिकल वायर के इनसाइड, ये फॉर्मूला सिलेंड्रिकल वायर के इनसाइड ही चलेगा। कोई डाउट इसमें? और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो सेकंड बॉक्स बनाएं, वेक्टर फॉर्म में इसको याद करें, बी इज अ वेक्टर, जे इज अ वेक्टर, आर इज अ वेक्टर, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू जे क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि बी इज अ वेक्टर, तो मुझे वेक्टर प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन क्लियर है। तो ये फॉर्मूले को हम एक बेस मान लेते हैं, इस फॉर्मूले को आगे से इन फ्यूचर अगर मेरे को हो सकता है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और लिख लें इसके ऊपर नॉट फॉर एनसीईआरटी प्लीज, एनसीईआरटी के लिए नहीं है, ठीक।
ओके, सबको ये फॉर्मूला क्लियर है? आगे देखो प्लीज, आगे अक्षत, फॉर्मूला क्लियर है यहां तक? अब ठीक, अब फॉर्मूला लगा, इसको लगा के देखते हैं। अब बहुत ध्यान से देखना प्लीज। सबसे पहले इस फॉर्मूले को लगाने के लिए यह मानते हैं कि पूरा का पूरा सिलेंडर है और इस सिलेंडर में पूरे का पूरा हर जगह पर करंट जा रहा है, ये लो क्रॉस क्रॉस क्रॉस। कोई डाउट इसमें? कोई पॉइंट पी मान लेते हैं, यहां पर ये पी पॉइंट है, ये पूरे सिलेंडर का सेंटर है ओ। अगर मुझे वो फॉर्मूला यूज करना है कि पी पॉइंट पर मुझे बी निकालना है, तो मुझे सेंटर से डिस्टेंस ढूंढना है, क्योंकि ये फॉर्मूला कहां से लगता है? सेंटर से, इस पॉइंट का। तो एक काम करते हैं, हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, गिवन नहीं है कि सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, आर वन। ठीक हो गया? तो बताओ ये पूरे की पूरी सिलेंड्रिकल वायर पी पॉइंट पर बी क्या प्रोड्यूस करेगी? क्या सबको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? म्यू नॉट बाई टू जे क्रॉस आर वन। ठीक है यहां तक? तो इस पॉइंट पर पूरी वायर कितना बी प्रोड्यूस करेगी? जे क्रॉस आर वन निकल गया यहां पर, इंक्लूडिंग दिस पोर्शन ऑल्सो जो जिसमें कैविटी होने वाली है। ठीक, पहला फॉर्मूला क्लियर। अब एक काम करते हैं, अब इसमें कैविटी बनाते हैं, इसमें कैविटी बनाते हैं। तो सपोज करो ये एक कैविटी बन गई, ठीक। इस कैविटी के सेंटर से इसका डिस्टेंस मुझे गिवन नहीं, और सपोज मैंने कितना ले लिया, आर टू। सिर्फ कैविटी की बात करते हैं और कुछ नहीं देखना। मान लो अब करंट सिर्फ और सिर्फ कैविटी में है, यहां करंट नहीं है, ध्यान आगे, करंट सिर्फ इस पोर्शन में और कहीं करंट नहीं है। तो इस पोर्शन के सेंटर से पी पॉइंट की दूरी आर टू है, तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा? म्यू नॉट बाय टू जे क्रॉस आर टू। और मैंने क्या कहा था, हम पहले पूरा बी निकालेंगे, फिर कैविटी का कंट्रीब्यूशन देख लेंगे और दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये स्टेप क्लियर है कि टोटल बी में से कैविटी के की वजह से बी जो प्रोड्यूस हुआ उसको मैंने माइनस कर दिया। कोई डाउट इसमें? इसमें से कॉमन निकलेगा रिजल्ट, तो म्यू नॉट बाई टू जे कॉमन आ गया, और बीच में क्रॉस चल रहा है, क्रॉस को नहीं भूलना, क्रॉस को क्रॉस रखना है, और फिर क्या बचेगा, आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर। ये स्टेप भी क्लियर है, आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर। अब एक काम करते हैं, ये आर वन वैक्टर है, ये आर टू वैक्टर था, और लेट अस सपोज दिस इज आर वैक्टर, सॉरी दिस इज आर वन वैक्टर, इस सेंटर से आर टू वैक्टर, और दोनों के सेंटर को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर इज आर वेक्टर। क्लियर है यहां तक? ये ट्राइंगल फॉर्मुलेट कर रहे हैं। इस ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ अगर हम लगाएं, तो ये साइड यहां जा रही है, ये यहां जा रही है, और ये क्लोजिंग साइड है, और ये जो क्लोजिंग साइड है ये रिजल्टेंट है। तो क्लोजिंग साइड इज आर वन वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर प्लस आर टू वेक्टर। तो आर वन वेक्टर इज आर वेक्टर प्लस आर टू वेक्टर। तो यहां से आर वेक्टर क्या आ गया, आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर। तो एक काम करते हैं, आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर की जगह क्या पुट करते हैं, आर वेक्टर। कोई डाउट इसमें? तो अब क्योंकि आप पॉइंट जहां मर्जी ले लो कैविटी के अंदर, दो स्फीयर के सेंटर का डिस्टेंस तो वही रहेगा आर। तो दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट, इसलिए बी की वैल्यू विल रिमेन सेम। तो बी की वैल्यू सेम रहेगी, आप जहां मर्जी पॉइंट ले लें, बी चेंज नहीं होगा। कोई डाउट इसमें? कोमल क्लियर है यहां तक? ये वाला, इसमें पहले पूरा स्फेयर लिया, सिलेंडर लिया, पूरे सिलेंडर का रिजल्ट लगाया, फिर सिर्फ कैविटी के सेंटर से डिस्टेंस आर टू लेके रिजल्ट लगाया, दोनों को माइनस कर दिया। पूरा कॉन्ट्रीब्यूट 10 टेस्ला कर रहा था, कैविटी कैविटी का कॉन्ट्रीब्यूशन 2 टेस्ला था, तो 10 में से 2 8, तो वही चीज कर रहा हूं मैं से। ठीक है यहां तक? क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो जो तो मेडिकल के लोग हैं, देखो मुझे पता नहीं नॉन मेडिकल में कितना उनका वेक्टर स्ट्रांग है, वो सीधा रिजल्ट ही देखें, चाहे मेडिकल चाहे नॉन मेडिकल। अगर सीधा रिजल्ट आता है तो सीधा रिजल्ट ही याद करें कि इसको बॉक्स में डाल लें, म्यू नॉट बाय टू जे क्रॉस आर, और आर का मतलब लिख लेना डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, लिख लो आर वन टू, लिख लेना आर वन टू इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। ठीक है यहां तक? तो अगर बाय चांस ये क्वेश्चन आता है, तो आपको ना अब इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला ही इटसेल्फ आपको सीधा आंसर दे देगा। ठीक है यहां तक? ठीक,
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनाया, ये भी कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को रीड करें और मुझे इसमें एन की वैल्यू देख के बताएं, और चाहे तो कैसे सॉल्व किया वो भी देख लें, और मुझे बताएं कि इसमें इस क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आता है। देखें जरा, स्टार्ट करें, बात नहीं करनी प्लीज, दिमाग लगाना है। सेम ऊपर वाला फॉर्मूला ही नीचे यूज होगा।
कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले ये बताओ, मतलब बिल्कुल एंड टू एंड की हाँ समझ में आ गया, कमाल है, ठीक है, उम्मीद नहीं की थी मैंने, थोड़ा ज्यादा लोगों को समझ में आ गया, बट फिर भी चलो ट्राई करते हैं, हो सकता है कुछ गलत ही समझे बैठे हो, तो एक बार डिस्कस जरूर कर लें यार अपनी तरफ से, आ गया कर, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो देखो इसमें पॉइंट क्या है, एक इसमें बहुत सही ट्रिक है, जो जिसने क्वेश्चन बनाया उसने बहुत सही ट्रिक यूज किया, मैं आपको दिखाता हूँ क्या, और क्या किया इसमें, सबसे पहले एक सिलेंडर है, ध्यान आगे प्लीज, एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर 2a है, दिख रहा है, इसमें कैविटी बनाई और डायमीटर a, ये दिख रहा है, तो इसका रेडियस कितना है a, इसका रेडियस कितना है a by 2, ठीक। अगर वो मुझे b निकालने को यहां पे देता ना कैविटी के अंदर, मेरे को फटाफट आंसर याद था पिछले क्वेश्चन का, मैं वही आंसर बोल देता, उसने पॉइंट शिफ्ट कर दिया, वो कहता है मुझे कैविटी में b चाहिए ही नहीं, क्योंकि कैविटी में b का फॉर्मूला लोगों को याद होता है, उसने अपना पॉइंट शिफ्ट करवा दिया, वो कहता है मुझे बी पी पॉइंट पे निकाल के दो। अब मुझे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं आता जो कैविटी के बाहर काम करे, क्योंकि कैविटी वाला केस तो अभी हम कर ही चुके हैं, तो अब मुझे फिर से सुपर पोजिशन लगाना पड़ेगा, जिसके अंदर मैं पहले इस पूरे सिलेंडर में करंट मानूंगा और यहां पर बी निकालूंगा, फिर मैं कैविटी में करंट मानूंगा यहां पर बी निकालूंगा, और फिर दोनों को माइनस करूंगा। मीन्स क्वेश्चन बनाने वाला ये चाहता था कि लोगों को फॉर्मूले से काम ना चले, लोगों को एक्चुअल में काम करना पड़े, एम्पियर सर्किट लॉ लगाना ही पड़े, ठीक। नहीं तो फॉर्मूला याद था मैं कैविटी का, तो करें स्टार्ट। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं कि लेट अस सपोज ये आपके पास एक सिलेंडर है और जिसमें करंट ही करंट है, कोई कैविटी नहीं है, ये बताओ कि इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है, ए है, तो ये P पॉइंट है जहां पर डिस्टेंस A है, कोई डाउट इसमें, तो मुझे ये बताओ कि पूरे सिलेंडर के अंदर ये पॉइंट P है, तो B का फॉर्मूला हम क्या यूज कर सकते हैं, म्यू नॉट बाय 2, और क्या था अभी J, और कितना ऊपर फॉर्मूला भी, ये ऊपर फॉर्मूला बनाया था हमने, ये वाला जो नोट लिखा था, तो हमने यही किया था कि अगर R डिस्टेंस पे हमने B निकालना है तो म्यू नॉट J R बाय 2, तो लिख लेते हैं म्यू नॉट जे आर, आर की जगह आर का मतलब क्या होता है, सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस, तो सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस कितना है यहां पर, तो मेरे हिसाब से पूरे सिलेंडर की वजह से पी पॉइंट पर बी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, आपको एम्पियर सर्किट अलाउ करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई डाउट इसमें, ये रूल क्लियर है। हालांकि जब मैं सॉल्व कर रहा था इस क्वेश्चन को, तो उल्टा मैंने इसमें क्या लगाया, एम्पियर सर्किट लॉ लगा के आंसर निकाला, पर मुझे लगता है रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करूंगा म्यू नॉट बाय 2 आर की जगह ए इनटू जे, क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, कोई डाउट इसमें, तो आप यहां नोट लिख लो बॉक्स बना के डायरेक्ट फॉर्मूला, कहीं 6 महीने बाद पढ़ने बैठो भूल ही जाओ ये क्या किया हुआ है, तो लिख लो डायरेक्ट फॉर्मूला, और लिख भी लेना फ्रॉम अबव पेज, कंटिन्यूटी फ्रॉम अबव पेज, कुछ भी रेफरेंस बना लो ताकि ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लिया सीधा, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो इसमें एम्पियर सर्किट लॉ लगाने की जरूरत हमें नहीं है, तब जरूरत है जब आप फॉर्मूले नहीं याद करना चाहते मेरी तरह, फिर एम्पियर सर्किट लॉ लगा कर लो, मेरे को पसंद नहीं है ज्यादा याद करना, तो मैं एम्पियर सर्किट लॉ सही करता हूं, इसलिए मैंने यहां भी ऐसे किया, बट पॉइंट क्लियर है यहां तक, ओके। अब आधा आंसर हो गया, अब एक काम करते हैं, हम कैविटी लेते हैं, सिर्फ कैविटी कैविटी, तो मैं मिटा रहा हूं इसे, अब सिर्फ कैविटी ली मैंने, ये एक कैविटी है, और इमेजिन करो कि सिर्फ कैविटी में करंट है, और कैविटी से ये पी पॉइंट कैविटी के अंदर नहीं है, कैविटी के बाहर है। अब देखो यहां इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अब ये जो पी पॉइंट है ये करंट कैरिंग कैविटी के अंदर नहीं है, ये तो बाहर चला गया, और कितना बाहर चला गया, यहां से यहां का डिस्टेंस ये आधा कितना है ए बाय 2, और ये कितना है ए बाय 2 प्लस ए कितना हो गया 3 ए बाय 2, ठीक। तो क्या मैं यहां भी फॉर्मूला लगा दूं, इस वायर की वजह से यहां पर बी का फॉर्मूला बोलो, बिल्कुल सेम म्यू नॉट बाय 2 जे, और डिस्टेंस कितना इसके सेंटर से कितना हो गया 3 ए बाय 2, कोई डाउट किसी को इसमें, ये चलेगा, फिर कहते हैं मुझे समझ में आ गया, ऐसे कैसे आ गया, नहीं चलेगा ये फॉर्मूला, रॉन्ग है,
क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये पॉइंट बाहर है। हाँ हाँ वो भी चल सकता है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? क्योंकि ये पॉइंट कैविटी उस वायर के अंदर नहीं है, बाहर है। और ये फॉर्मूला तब चलता है जब पॉइंट सिलेंडर के इनसाइड है, बाहर फेल है। तो अगर आप दोनों में सेम फॉर्मूला लगाते हो तो नहीं चलेगा, क्योंकि बड़ी वाली वायर के लिए ये पॉइंट अंदर है और छोटी वाली कैविटी के लिए पॉइंट बाहर है। और बाहर का हमें कोई फॉर्मूला नहीं आता, जिनको याद है अलग बात है, मान लो मैं भूल गया तो कोई टेंशन नहीं, भूल गए तो भूल गए। तो इसके अंदर क्या करेंगे, एम्पियर बनाओ सर्कल फिर। तो यहां पर बी निकालना है, तो यहां पर बी क्या होगा, बी इंटू इसका सर्कमफ्रेंस बोलो 2π × 3a/2, बी इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इस रेड सर्कल के इनसाइड कितना करंट है। इनसाइड सिर्फ ये ब्लैक वाला करंट है और तो कोई करंट नहीं है, सिर्फ कैविटी कैविटी का करंट लेना है। और इसका इसका रेडियस कितना है, a बाई टू, तो इसका जो करंट डेंसिटी है जे इंटू पाई इंटू ए बाई टू का होल स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंगली बी डॉट डी एल, बी इंटू इसका सर्कमफ्रेंस इज म्यू नॉट इंटू सिर्फ इतने पोर्शन का करंट। तो यहां से जो बी आएगा उसकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट जे पाई ए बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड 2π × 3a/2। तो अब आप चेक कर सकते हो ये मैंने फॉर्मूला कैसे लिखा, म्यू नॉट बाई 2π 3a/2 ये रहा, और कितना ये रहा करंट सेम। तो सेकेंड वाला पोर्शन जो मैंने यूज किया बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, तो लिख लेना इसको सर्कल बना के दैट यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, और इसमें लिख लेना यूजिंग फॉर्मूला। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो एक में तो फॉर्मूला चल गया, पिछले वाला एक में नहीं चलेगा। आंसर नहीं आ रहा, आ नहीं रहा, आ रहा है? हाँ वो ठीक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इनफाइनाइट वाला वायर वाला फॉर्मूला लगा लो इनफाइनाइट, क्योंकि ये याद है हमने किया था, अगर कोई जो एप्लीकेशन नंबर 4 है उसमें किया था, अगर वायर के बाहर कोई पॉइंट है इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4π, म्यू नॉट बाय 4π वो आई 2i बाय आर या ए, तो 2i में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4π बनेगा ना, तो 2i बाय ए का मतलब 3a/2 लगा सकते हो, लगा सकते हो, सही है, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? इन दोनों को माइनस कर लिया, माइनस करके सिंप्लीफाई कर लिया, ये आंसर आ गया। हमें हमारा आंसर इस फॉर्म में गिवन है, इन्हें कंपेयर कर लिया, एन की वैल्यू आ गई।